अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। दे आगे एक नवी रिएक्शन वीडियो के नाल अज्ज दी साडी रिएक्शन वीडियो जिहड़ी होवेगी शुएब अख्तर क्रिकेटर रावलपिंडी एक्सप्रेस की मैरिज जिहड़ी स्टोरी है उहदे उत्ते। ते जल्दी नाल रिएक्शन शुरू करने आ रहे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर दिओ, शेयर कर दिओ, चैनल नूं सबसक्राइब कर दिओ। वो यूट्यूब नाल जिहड़ा रणजीत रोणा हुंदा है वो ही तुहाडे नाल रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लाइक शेयर करो, सबसक्राइब चैनल नूं जरूर करो। तो आज जी अज्ज दा रिएक्शन शुरू करने आ। अच्छा शुएब, थोड़ा सा अपने बाकी कैरियर के वाले से तो बात होगी, थोड़ा शादी के वाले से बताइए कि शादी कब की थी आपने, और वालिदैन की मर्जी की थी या आपकी अपनी मर्जी? यार वो तो मुझे भी नहीं पता चला शादी कब हुई है। अच्छा, क्योंकि मेरे वालिद मेरे माँ बाप ने रिश्ता तय कर दिया था। अच्छा, मेरी वालिदा ने रिश्ता तय कर दिया था, तो शादी की डेट रखी थी। मेरी बेगम मुझसे छोटी हैं काफ़ी, तो उनका ये हज पे गई थी, तो मेरी बेगम की वालिदा ने मेरी वालिदा की बहुत खिदमत की थी। वो समझती है बड़ी पीर शीर औरत है, तो उन्होंने कहा मैं वो पीर शीर नहीं हूँ इतना फेमस, मैं शुएब अख्तर की वालदा, इसलिए लोग काफ़ी आते हैं। तो वो खिदमत लग गई। हज के बाद जब पता है आपको सब भाजियों का खाना वाना होता है, तो मेरी माँ ने कहा ये तेरी बेगम है। तो मैंने कौन उनके लिए तेरी बेगम है, तो मैं भी ठीक है। तो फिर मैंने शादी, मैं दुबई में था, वापस आया, मैंने एक जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी और निकल गया निकाह के लिए। तो मेरे मेरे माँ बाप ने कहा पुत्र हम 10-12 टोटल लोग हैं, मैंने अनाउंस नहीं की शादी के लिए, तो हम बाद 10-12 लोग पुत्र सूट पहन ले। तो मैं वो जीन में शादी नहीं होती बस सूट पहन ले। तो मैंने इस तरह शादी की है, और जाके कोई 10-12 15-20 बंदे उनके थे, कोई 10-15 बंदे हमारे थे, निकाह हुआ रुखसती अल्लाह खैर से घर वापस। तो आपके सहन में कुछ नहीं था कि आपने कोई पसंद नहीं थी, आपने कभी कहा नहीं पेरेंट्स को कि मेरे से पूछ ले? मना नहीं है खर्चा करना, शादी करो, लेकिन मैं गलत समझता हूँ इस चीज को। मतलब मैं समझता हूँ ये पैसे यार बांट दो, अल्लाह के रसूल ने मना नहीं फरमाया, आप लेश भी करो, आप सादा भी करो, लेकिन मेरा ये था कि मैं अल्लाह के रसूल की वो बात मानूंगा, मैं सादे तरीके से करूँ। तो आपके माइंड में कोई लड़की नहीं थी वैसे, कोई लव मैरिज करना आपका नहीं था कि आपने लड़कियां? नहीं, वो तो है, लेकिन पेरेंट्स को आपने नहीं कहा कि मैंने फलां जगह शादी करनी है? मैंने शादी तो मेरी मर्जी से करनी है। अच्छा, मैं कहा अच्छा जी। मैंने अपनी माँ की सबसे बड़ी खिदमत क्या की, मैंने उनके साथ कभी आज तक ना नहीं बोली। अच्छा, जो कुछ उन्होंने बोल दिया जो कह दिया, क्या बात है, कुरान और हदीस के बाद सब कुछ हुआ है, जो कह दिया मैंने कर लिया, मैंने कभी आकर नुकसान खाए। बच्चे कितने हैं आपके? दो बेटे हैं। अच्छा माशाल्लाह, क्या वजह है कि आप बच्चों को फैमिली को बहुत दूर रखते हैं मीडिया से? मेरी फैमिली ही नहीं आना चाहती थी। अच्छा, मेरी फैमिली ही नहीं, मेरी बेगम बहुत कंजर्वेटिव है, वेरी लिबरल, वेरी लिबरल, वेरी ओपन माइंडेड, बट वो बिलीव नहीं करती आने को। मैं अलग उनको कहता रहता हूँ कि चलें आप आ जाओ, बाहर चलते हैं, आप खा लो, कुछ पी लो, चल जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, बस नहीं चाहिए। और तो बच्चों को भी इसी वजह से कोई कमी नहीं है, मैं रोकता टोकता नहीं लेकिन हाँ पर्दे का ख्याल मैं रखता हूँ। बाकी देखें सारी चीजें, फिर अगेन आपको पता ही है ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल ही समझ देता है इस चीज़ों की, मैं तो बता ही सकता हूँ, तो मैं बाकी पे क्या इन्फोर्स करूँ। सो बार अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक पाक औरत दी मुझे, और माशाल्लाह ने मुझे बड़ा खूबसूरत दो बेटे था, माशाल्लाह। और मैंने अपने बेटे का नाम अपने सिलसिले के बड़े पीर सरकार के नाम पे रखा, मैं क्योंकि बड़ा औलिया ग्राम का मानने वाला हूँ, लाड लूट करता हूँ उनके साथ, माशाल्लाह। तो अल्लाह करे मेरा भी लिस्ट में नाम आ जाए, काबिल नहीं, अल्लाह करम करे। मुझे तो अलसानी सरकार के नाम पे मैंने रखा उनका। अच्छा माशाल्लाह, तो सरकार ने अकबर को दीन इलाही को पैंटी लगाई, अकबर को पैंटी लगा के दीन को रिस्टोर किया। सो 1000 साल बाद पैदा होने वाला वो एक मुजद्दद जी जी जो रिफाइनर हुआ जी, तो मैंने मुजद्दद पाक के सरकार के नाम पे अपने बेटे का नाम रखा। और दूसरे बेटे का नाम? और दूसरे बेटे का जो मेरे नबी इस्लाम का वजीर है आसमानों पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिकाईल। अच्छा जबरदस्त, क्या बात है माशाल्लाह। मैं लगता नहीं इतना रिलीजियस लेकिन हूं बड़ा। नहीं नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है माशाल्लाह। और कभी आपने सोचा कि मेरी ये साइड कभी दिखाई नहीं गई? नहीं, कभी कभी बताई नहीं कि लोग। मैं पॉडकास्ट का हमारा फॉर्मेट ही यही होता है, जितने हमने कैंडिडेट बाकी बातें तो होती रहती हैं, यही होता है। लेकिन वो दूसरा शायद मैं कोई बहुत इंग्लैंड का पढ़ा हुआ है, बहुत मैं लिबरल आदमी हूँ, पता नहीं क्या, हालांकि मैं बड़ा बलंगा आदमी। मुझे एक वो शायद अफरीदी बेचारा हमेशा पिटता रहता है, फोन करके
मुझे ये भी कहता रहता है यार वासु तेरे पास अगर कपड़े नहीं तो मैं भेजू एक काली टी शर्ट एक काली जीन्स तेरे पास अच्छा। यही दो शर्ट है क्या तो मैंने कहा यार शायद ऐसे ही है बस मैं क्या करूँ कहता कोई और कलर भी पहन लिया कर क्या करूँ यार बस मुझे पसंद ही इतना कोई इरादा है आपका दूसरी तीसरी शादी के इस्लाम में चार शादियों की इजाजत है आपने भी कभी सोचा कुरान शुरू होता है दूसरी शादी तीसरी शादी से लेकिन कुरान का हुक्म सर आंखों पे एक काफी है भाई एक संभाल लो बड़ी गल है सही है बात यार देखो मैं यार ये शुद्ध वन वो मैं कर सकते हो आप चार करो चार सौ करो मैं वो नहीं कहता वो आपकी मर्जी है सर वो जाए ना अरब में जाए तो सौ सौ शादी जी जी तो निकाह कर सकते हैं आप मुझे देखिए मैं ये बिलीव करता हूँ यार कि वंस यू अटैच्ड विद समबडी एंड समबडी इज लेफ्ट होम फॉर यू यू शुड आल्सो लीव मेनी थिंग्स फॉर हर एंड बी नाइस टू हर बी काइंड टू हर इंस्पिरेशन बने अपनी बेगम के लिए यू नो इंस्पिरेशन आप तभी बन सकते हैं आप किरदार के पक्के हैं आप मजबूत हों आप तगड़े हों मैं कभी अपनी बेगम को प्रीच नहीं करता कोई चीज अमल से करके दिखाता हूँ चीजें मैं झूठ नहीं बोलता मैं सच बोलने की हमेशा हतल बसा कोशिश करता हूँ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूँ बच्चों को दीन पढ़ा रहा हूँ सिखा रहा हूँ पंचपाक के बारे में पढ़ा रहा हूँ साबर ग्राम के बारे में पढ़ा रहा हूँ हमारे यहाँ तो हीरो जी बड़े हैं हमारे इस्लाम में तो हीरो जी इतने इतने बड़े हैं पढ़ा पढ़ा के बंदा थक जाए हीरो से खत्म नहीं होने और क्या आप इस्लाम के फजाइल बयान करो इसलिए तो मेरा मेरा ये होता है कि दीन से दूरी ना हो हमेशा अपने इंसान अपने बेस से जुड़ा रहे बेस यार देखो मैं बिलियनियर भी बन गया वो मरना तय ना बिल्कुल जवाबदेही तो है सो इसलिए मैं किसी का बुरा करना नहीं चाहता ना मैं किसी का बुरा कर सकता हूँ जवाबदेही देनी है दुनिया मार धाड़ में लगी हुई है हाँ यार मैंने बनाने हैं शहर हाँ यार मैंने पूरे मुल्क के मुल्क बनाने हैं ठीक है ये बात ठीक है हलाल के हलाल और जायज तरीके से बनाने बनाने जायज मैं नहीं खाना लूट मार के खाना पैसा अगर मैं सोसाइटी लॉन्च कर रहा हूँ उतने के लिए लॉन्च कर रहा हूँ हाँ मैं ला रहा हूँ एनओसी आपके लिए हाँ मैं आपके साथ पुलिस के साथ प्लॉट दूंगा आपको मैं आपको 1000 कैमरे के साथ आपको लाइव फुटेज दिखाऊंगा तो मैं आपको दूंगा भाईजान तो जब मैं आया हूँ तो मैं फिर आपको पूरा करके दूंगा मेरी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी तो ऐसी अज की साड़ी वीडियो उम्मीद है तो अच्छी लगी होगी फतेह भाई ने कही कि मैं माँ को ना नहीं करनी आती मैं कभी माँ को ना नहीं की यार बड़ी कमाल की गल है तो बड़े घट बंदे वाजे होंगे ने जोड़े इस तरह का माइंड रखते हैं तो बड़ी अच्छी गल है बड़ी पसंद आई गल अभी बड़ी स्टोरिया सुनिया ने इन्होंने वालदा के इन्ना दिन तलक जी अक्सर प्रोग्राम लेंदे रही हैं तो काफ़ी अच्छा लगा जानी कि दूसरी जी शादी का ना जवाब दिता कोई गल तो उन्होंने सच्ची भी एक भी गलों हाथ लवा दें बाकी वीडियो बहुत अच्छी लगी स्टोरी बड़ी सादी जी उन्होंने जी शादी की कि भाई माँ ने कलू फट के आगे पुत्र तेरा विह है तो मैं हाँ कर दी तो बड़ी गल होंगी है नहीं तो इतने टोपी ड्रामे बड़े शुरू हो जाते हैं तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करो शेयर करो मेरे चैनल में सब्सक्राइब जरूर करो तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में दुआ में याद रखो अपना ख्याल रखो आप